फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रमजान स्पेशल मैगी कटलेट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में पानी ले लिया है, उसके अंदर हम डाल देंगे मैगी, इसे ढककर रख देंगे साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिया बॉयल किए आलू, अब हम इसे फॉक से छेद कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हमारी अच्छी तरह से मैश हो चुका है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल, अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और ये मैगी मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नींबू का रस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे मैश किए हुए आलू। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पत्ता, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा चावल का आटा और इसे मिला लूँगी। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। कटलेट्स बनाने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा बैटर ले लेंगे और इस तरह से इसे गोल करेंगे और हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे कटलेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे कटलेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया मैगी, और ये जो मैगी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है, और जो इसका पानी वो हम एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कटलेट्स पर इस तरह से मैगी को लगा दिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये कटलेट्स। अब हम इसे ऊपर नीचे करते रहेंगे। ये हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ।